कांग्रेस ने आगामी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में चौथे आरोपी की पहचान हो गई है। चौथे आरोपी की पहचान जिशान अख्तर के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि जिशान फोन पर तीनों शूटर को डायरेक्शन दे रहा था। जानकारी के मुताबिक जिशान अख्तर इसी साल 7 जून को पंजाब की पटियाला जेल से बाहर आया था। जेल में ही रहते समय ही वो लॉरेंस गैंग के गुर्गों के संपर्क में आया। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के यौन शोषण के मामले में रविवार को आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने के लिए उनके आवास पहुंचा था, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। आप ने दावा किया कि उसने मुलाकात को लेकर पहले ही राजनिवास को सूचना दे दी थी, फिर भी उनसे कोई नहीं मिला। नासिक के देवलाली में स्थित आर्टिलरी स्कूल में प्रशिक्षण सत्र के दौरान हुए विस्फोट में 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। साथ ही उन्होंने दोनों मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा शेयर किया है। बेंगलुरु के विभूतिपुरा और डोडड्डा निकुंडी झीलों में कई समस्याएं पाई गई थी। एनजीटी इस मामले में खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है, तो वहीं एनजीटी की ओर से बरसाती नालों में अवरोधक और झीलों के अतिक्रमण पर बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त और अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले नेता गिरिराज सिंह हिंदुओं को संगठित करने के लिए यात्रा निकालते रहे हैं। उन्होंने आने वाली 18 अक्टूबर को पूरे बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस यात्रा के दौरान वे बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में रिकॉर्ड बनाते हुए बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं अब पार्टी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस हार के कारणों की समीक्षा में जुटी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के 9 दिन के बाद 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम पद के लिए आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर कहा कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उसी का परिणाम है कि वहां पर सत्ता पक्ष के नेता भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र की स्थिति क्या है ये अब सबको पता चल गया है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कहा कि क्या ये जबरन वसूली हत्या है और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थी या नहीं। अगर मिली थी तो उन्हें उचित सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? ये बहुत गंभीर मामला है। यहाँ किस तरह के कानून की व्यवस्था है? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।